नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। हजारीबाग के कटगमदाग थाना क्षेत्र के सिरसी तालाब से एक 12 वर्ष बच्चे का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई है। परिजनों से बात करने के बाद पता चला कि बच्चा शाम 7 बजे से ही गायब था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को खबर की। खबर करने के बाद पुलिस प्रशासन ने करीब रात के 1 बजे बच्चे के शव को सिरसी तालाब से बरामद किया। पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। परिजनों का कहना है कि बच्चे को गला दबाकर मारा गया है। कटगमदाग पुलिस के द्वारा एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ अभी जारी है, लेकिन पूरे मामले का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। बच्चा शाम से घूम था, 7 बजे से। 7 बजे से प्रशासन आया तो उसको ढूंढा तो 1 बजे रात को बच्चा तालाब में मिला। हत्या मर्डर किया है, गलत दबाया और पकड़ा भी गया है जो गलत दबाया है। क्या मामला था? जो एक फरार है, मामला नहीं है, मामला एक फरार है और एक पकड़ाया है, जो भी है उसको थाना में रखे हुए हैं। ये कल बच्चा 7:30 बजे शाम से गुम हुआ था और गुम होने के दौरान हम लोग पुलिस ने फोन दिए थे और जाकर के 1:30 बजे रात सरसी नदी के किनारे तालाब में बरामद हुआ लाश सही। और उसके बाद फिर एक ठो और अपराधी पकड़ाया गया है, दूसरी तलाश जारी है। क्या लगता है किस चीज़ को लेकर हत्या की गई? तो पूरा खुलासा नहीं हो पाया है किस मकसद से हत्या किया गया है, लेकिन फिलहाल तो हत्या गला दबाकर किया गया है और तालाब में फेंक दिया। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।